हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए कॉमर्स पेपर टू, जिसका कोड 08 है, उसका कंप्लीट सिलेबस यूनिट वाइज करवाया जाएगा। यूनिट वन से लेकर 10 तक आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हमेशा यूजीसी टच करता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे कवरअप करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना भी आपका रिटर्न मटेरियल है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब चैनल पे आपको डेली बेसिस पे क्लासेस करवाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल प्लस टेलीग्राम चैनल दोनों पे अवेलेबल हैं। सो करते हैं आज का सेशन बिगिन। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता, हम यूनिट नंबर 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं। सो हम आज आगे करने जा रहे हैं, देखो अब करने जा रहे हैं हम टेक्निक्स क्या कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की। देखो, सबसे पहले आता है एंटिटी स्ट्रक्चर। आपको एक अप्रोप्रिएट लीगल एंटिटी स्ट्रक्चर को चूज़ करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। आपने बिजनेस किस फॉर्म में खोलना है, आपका जो एंटिटी का स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, वो पार्टनरशिप होगी, वो कॉरपोरेशन यानी कंपनी खोलोगे, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी खोलोगे, तो इस चीज़ का टैक्स पे काफ़ी फ़र्क, इम्पैक्ट, फ़र्क नहीं कह सकते, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कंपनी यानी जो कॉरपोरेशंस हैं उसकी टैक्स लॉस, उसको जो टैक्स लॉस हैं, जो रूल्स हैं, अलग गवर्न करते हैं, पार्टनरशिप के अलग हैं और LLC के अलग है। सो आपका जो एंटिटी का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो वो इम्पैक्ट डालेगा आपके टैक्स इम्प्लीकेशंस पे। जितनी भी अलग अलग एंटिटीज़ हैं उनके सभी के अलग अलग टैक्स रेट्स होते हैं। जैसे कॉरपोरेशन का फ्लैट 30% पे लगता है, उनकी अपनी डिडक्शंस उनके पास अवेलेबल है, एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट एग्जम्पशंस उनको अलग अलग अवेलेबल है। सो आपको एक राइट स्ट्रक्चर अपनी टैक्स आउटकम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए चूज़ करना पड़ेगा। जितना वेल सूटेबल आपका टैक्स स्ट्रक्चर होगा यानी एंटिटी का स्ट्रक्चर होगा, उतना ही टैक्स ऑप्टिमाइजेशन आपकी होगी। नेक्स्ट आता है इनकम डेफरल। ध्यान से सुनो, डिलेइंग द रिकॉग्निशन ऑफ इनकम टू सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर कैन हेल्प डेफर टैक्स पेमेंट। देखो, जब आप आपकी जो इनकम, अगर आपने इस साल अर्न किया, उसको आप नेक्स्ट ईयर तक ले जाते हो, उसको इस ईयर शो ही नहीं करते, वो आपका इनकम डेफरल होता है। डेफरल का सिंपल मीनिंग है ये, देखो हमारे अकाउंट्स में, हमारी कॉमर्स में डेफरल वर्ड बहुत बार यूज़ किया जाता है। डेफरल का सिंपल मीनिंग होता है आपने पोस्टपोन करना है। जब आप इनकम को टैक्स पर्पसेस के लिए नेक्स्ट ईयर पे डेफर कर देते हो, डैट इज़ इनकम डेफरल। अब इसको आप अलग अलग तरीके से अचीव कर सकते हो, इसके लिए मेथड्स बने हैं। जैसे आप पोस्टपोन कर सकते हो, आपकी कोई इनकम अगर आपको आनी है, आप उसको रिसीव ही मत करो, उसकी रिसिप्ट को पोस्टपोन कर लो, या आपने अगर अपना कोई एसेट को बेचना है जिससे आपको पता है कि आपको सब्सटेंशियल गेन होने वाला है, आप उसको डेफर कर सकते हो, यानी आप इस साल उसको बेचो ही ना, उसको नेक्स्ट ईयर सेल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंस एक्सेलरेशन। देखो, आप जो आपके डिडक्टिबल एक्सपेंसेस हैं, यानी वो एक्सपेंसेस जिनकी आपको डिडक्शन मिलती है, आप उसको, उसकी एग्जम्पशन या डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अपनी टैक्सेबल इनकम से, आप उनको एक्सेलरेट कर दो, यानी उनको और बढ़ा दो करंट ईयर में, जिससे आपका एट द एंड जो इनकम है, जो आपकी खास करके टैक्सेबल इनकम है, वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। सो इसको आप कैसे कर सकते हो, आप कई खर्चों को आप प्रीपे कर सकते हो, जो आपके डिडक्टिबल एक्सपेंसेस हैं जो आपके अगले साल के, आप उनको इस साल ही पे कर दो, वो आपको डिडक्शन इसी साल मिल जाएगी। आप डेप्रिसिएशन डिडक्शंस पे क्लेम कर सकते हो, या आप मैक्सिमाइज कर सकते हो किस जितनी हद तक पॉसिबल है, यानी देखो विद इन द लिमिट्स जितना पॉसिबल है उतना आप जो आपके डिडक्टेबल एक्सपेंसेस हैं उनको और आगे लेके जा सकते हो, उनको और ज़्यादा उनका खर्चा कर सकते हो, ना उतनी ज़्यादा आपको अमाउंट की डिडक्शन मिल जाए। नेक्स्ट आता है टैक्स क्रेडिट्स एंड इंसेंटिव्स। देखो, आपके पास जो टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, जो इंसेंटिव्स अवेलेबल हैं, जो गवर्नमेंट ने एज़ पर इनकम टैक्स, गवर्नमेंट नहीं क्या दो, एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट आपको अवेलेबल है, यानी इनकम टैक्स लॉस के तहत आपको मिल रही हैं एग्जम्पशंस, जो आप उनको आइडेंटिफाई करो, उनका अच्छे से यूटिलाइज करो। इससे क्या होगा, देखो जब आप जो इनकम टैक्स में प्रोविजंस अवेलेबल हैं, जो डिडक्शंस अवेलेबल हैं, अगर आप उसका अच्छे से यूज़ करते हो, तो कहीं ना कहीं कंपनी अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकती है। सो आप रिसर्च और डेवलपमेंट क्रेडिट्स का यूज़ करो, इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट्स का यूज़ करो, एनर्जी एफिशिएंसी इंटेंसिव इंसेंटिव्स का यूज़ करो, आप टैक्स क्रेडिट का यूज़ करो कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए। सो ये बहुत सारी वेज हैं जिनसे आपको काफ़ी अच्छा आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी और टैक्स इम्प्लीकेशन आपकी कम हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन था,
टैक्स कंसिडरेशंस इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशंस, कुछ ऐसी बिजनेस सिचुएशंस आ जाती हैं कई बार, उनमें आपके टैक्स कंसिडरेशंस क्या रहनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले होते हैं मेक और बाय डिसीजन। देखो, जब आप सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपने प्रोडक्ट को इंटरनली बनाना है खुद या उसको बाय करना है कोई एक्सटर्नल सप्लायर से, कंपनी को टैक्स इस चीज़ की टैक्स इम्प्लीकेशंस को कंसीडर करना पड़ेगा। देखो, जो चीज़ें आप खुद बना रहे हो, जो आपकी इन हाउस प्रोडक्शन हो रही है, उसमें आपको कई बार टैक्स एडवांटेजेस मिल जाती हैं, जैसे आप अबिलिटी टू क्लेम डिडक्शंस फॉर कॉस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। ये एक एग्जांपल है। देखो, आपने अब जो प्रोडक्शन करनी है, आपको मटेरियल चाहिए, माइट बी उस मटेरियल के साथ अगर आप उसको परचेज करो आपको डिडक्शन मिल जाए, आप एज पर इनकम टैक्स लॉ एक प्रोविजन अवेलेबल है एक्ट में, आप उस अगर आपने वो कोई चीज़ को खरीदने में पैसा पे किया है, आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। सो इन हाउस प्रोडक्शन में कई बार काफ़ी टैक्स एडवांटेजेस मिल जाती हैं। सेकेंड आता है ओन और लीज एंड एसेट। The decision to own or lease an asset can impact the tax position. Obvious बात है, आपने खरीद के अपने नाम एसेट करना है या उसको लीज पे लेना है, इस चीज़ का टैक्स इम्प्लीकेशन पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। देखो, जब आप एक एसेट्स को ओन करते हो, उस पर आप डेप्रिसिएशन डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो, इसके अलावा आपको काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जब आप लीज करोगे उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी और आप अपने कैश फ्लोज को भी बचा सकोगे, यानी दोनों के अपनी एडवांटेजेस अपनी इम्प्लीकेशंस है। सो आपको ये ध्यान से कंसिडर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है रिटेन रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट। देखो, आपका फैसला रिटेन करने का, रिन्यू करने का और रिप्लेस करने का एसेट को, ये भी आपकी टैक्स इम्प्लीकेशंस पे फ़र्क डालेगा, उस पर इम्पैक्ट डालेगा। देखो, अगर आप एक एसेट को रिटेन कर रहे हो, इसमें यानी आपको उसको ऑनगोइंग जो अब जैसे टाइम चलता रहेगा आपको उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा। अगर आप रिन्यू और रिप्लेस करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी कि आप डिडक्शंस को क्लेम कर सको और इंसेंटिव जो इनकम टैक्स एक्ट में अवेलेबल है, जो प्रोविजंस हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो। लास्ट आता है शट डाउन और कंटिन्यू ऑपरेशन। देखो, जब आप ये चीज़ पे पहुंच जाते हो, जब आपको ये पता चलता है कि भाई या तो बिज़नेस को बंद करना पड़ेगा या आप ऑपरेशंस कंटिन्यू करो, यानी आप ऐसे एक पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे अब आपको ये दोनों चीज़ों को सोचना पड़ेगा, तो इसकी भी अलग अलग टैक्स कंसिड्रेशंस होंगी। यानी अगर आप बिज़नेस को क्लोज करते हो तो इसके आपको कुछ टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे, और अगर आप बिज़नेस को कंटिन्यू करते हो तो आपको जो डिडक्शंस मिल रही हैं, जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, वो एज इट इज़ चलते रहेंगे, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनीज़ के लिए, उनको इसी कारण ही उन्होंने इनकम टैक्स के आपका टैक्स के लिए ना कंसल्टेंट्स रखे होते हैं हर कंपनी ने, यानी जो हर एक्सपर्ट्स उनके पास होते हैं वो इन चीज़ों को एनालाइज टाइम टू टाइम करते रहते हैं, ठीक है। आगे आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आता है डिडक्शंस एंड कलेक्शंस ऑफ टैक्स एट सोर्स, यानी TDS और TCS का। देखो, जो डिडक्शन जो आपका TDS है या जो आपका TCS है, ये वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो ये इंश्योर करती है कि वो टैक्सेस को कलेक्ट कर रहे हैं जब कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही है। देखो, TDS तो जब आपको जिस सोर्स से आपको इनकम मिलती है वो सोर्स से TDS आपके बिहाफ पे डिडक्ट करके आपकी इनकम से वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाता है, यानी कि इन दो मैकेनिज्म से जो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। सो इसमें एक तो आप अच्छे से स्टडी वे में टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। अब इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। सबसे पहले आता है TDS, यानी डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। देखो, TDS वो प्रोसेस है जिसमें आप डिडक्ट करते हो कुछ परसेंटेज टैक्स की जब आप अपने रेसिपिएंट को पेमेंट दे रहे हो, यानी जो पेयर है, यानी लाइक अगर एक एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को पेमेंट दे रहा है, तो एम्प्लॉयर जब उसको पेमेंट देगा ना वो काट के देगा, यानी दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी जो पर्सन पेमेंट दे रहा है जिसे आप डिडक्टर कहते हो, वो रिस्पॉन्सिबल है टैक्स को डिडक्ट करने के लिए, और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाना है। अब जो रेसिपिएंट है जिसे डिडक्टी कहा जाता है, वो उसको नेट पेमेंट मिलती है, यानी वो पेमेंट आफ्टर टैक्स होगी, यानी टैक्स उसमें से ऑलरेडी डिडक्टेड होगा, फिर उसको पेमेंट मिल जाएगी। अगर मैं आपको कॉमन इंस्टेंसेस बताऊँ TDS की, तो इसमें सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, प्रोफेशनल फीस वगैरह वगैरह बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब आता है कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स TCS। देखो, जो TCS है ये प्रोसेस है कुछ आपने टैक्स की सर्टेन परसेंटेज बायर से कलेक्ट करनी है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज। यानी जब आप अपने गुड्स को या सर्विसेज को दे रहे हो, जब जो पर्सन है उस जब वो ये गुड्स को सेल करेगा या सर्विसेज को रेंडर करेगा, वो तभी उस पर टैक्स कलेक्ट करेगा जिस बंदे को सर्विसेज मिल रही हैं, गुड्स जो परचेज कर रहा है, डैट इज TCS।
अब जो इसमें जो सेलर है उसे कलेक्टर कहा जाता है, जो कलेक्ट करता है टैक्स बायर से और उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा देता है। जो TCS है ये कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स पे एक एप्लीकेबल होता है, जैसे आप स्क्रैप को सेल कर रहे हो, मिनरल्स हो गया, अल्कोहलिक बेवरेजेस हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप इसको करना। स्टार्ट करते हैं, देखो जो एडवांस चेक्स है, ठीक है, लाइक एडवांस टैक्स बेसिकली आप इसमें इनकम टैक्स को इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देते हो बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इंस्टेड ऑफ लमसम पेमेंट एट एंड ऑफ द ईयर। कहने का सिंपल मतलब इतना है, जो आपका इनकम टैक्स बनता है आप उसको देखो, वैसे नॉर्मली इनकम टैक्स जब आपका साल कंप्लीट होता है, आपके जब आप रिटर्न्स फाइल करते हो आप एक लमसम पेमेंट को डिपॉजिट करवाते हो, बट आपको इनकम टैक्स ने एक्ट ने एक प्रोविजन प्रोवाइड किया, अगर मान लो आपको लमसम पेमेंट कुछ ज़्यादा लगती है, वो डिफिकल्ट हो जाता है इकट्ठे जमा करवाना, तो आप इंस्टॉलमेंट्स में साल के कंप्लीट होने से पहले ही कुछ कुछ पैसा जमा करवा सकते हो इन दी फॉर्म ऑफ टैक्स। यानी आपको आइडिया तो होता ही है भाई हमारा इतना टैक्स बनेगा, सो आप उसको पहले ही डिपॉजिट करवा सकते हो, क्योंकि एट द एंड आपको बर्डन ना पड़े। सो ये चीज़ इंश्योर करती है कि एक रेगुलर और टाइमली फ्लो हो रहा है टैक्स रेवेन्यू का गवर्नमेंट के पास। अब इसके कुछ मेन फैक्ट्स हैं वो देखते हैं एप्लीकेबिलिटी। देखो सबसे पहले जो एडवांस चेक्स है ये इंडिविजुअल्स भी पे कर सकते हैं, कंपनीज भी कर सकती है, और जो एंटिटीज, इन शॉर्ट जो एंटिटीज लाइबिलिटी जिनकी टैक्स के लेकर बनती है एक फाइनेंशियल ईयर में और वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड एक्सीड करती है, तो वो जो अब ये थ्रेशोल्ड टैक्स अथॉरिटीज टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करते हैं वो सारे एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्टॉलमेंट्स। देखो जो टैक्स पेयर्स हैं उनके एक रिक्वायरमेंट कि उनको एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स में देना है स्पेसिफाइड ड्यू डेट से पहले। यानी ये नहीं कि आपकी मर्जी चलेगी, जब भी आप चाहो टैक्स की कोई भी इंस्टॉलमेंट पे कर दो, जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उन्होंने स्पेसिफाइड डेट्स को ऑथराइज किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है आपको उन, ये डेट्स ना टाइम टू टाइम चेंज भी हो जाती हैं। इसकी मैंने आपको PDF मैंने आपको दी हुई है ग्रुप में, आई गेस उसको आपको पता चल जाएगा। यानी जो टैक्स अथॉरिटीज ने आपको एक स्पेसिफाइड डेट मेंशन किया, आप उस डेट तक अपना टैक्स को यानी एडवांस पे कर सकते हो। अब जो ये ड्यू डेट्स हैं या जो ये इंस्टॉलमेंट की परसेंटेज है, ये भी टैक्स अथॉरिटीज टाइम टू टाइम डिटरमाइन करती है। सो जो आपका एडवांस टैक्स है आप उसको मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में इजिली एक साल में पे कर सकते हो। कैलकुलेशन, जो टैक्स पेयर्स हैं वो एस्टिमेट करते हैं उनकी कितनी टोटल इनकम है, फिर वो अपनी टैक्स लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल ईयर में कितनी उसकी टैक्स लाइबिलिटी बन सकती है, फिर वो इसको एस्टिमेटेड जो उन्होंने टैक्स लाइबिलिटी का एस्टिमेट बनाया कि भाई इतना टैक्स पे करना पड़ सकता है, वो उसको इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट्स की जाती हैं। इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट, अगर कोई टैक्स पेयर फेल हो जाता है, यानी वो जो एडवांस चेक्स एज पर इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर पाता या वो कम अमाउंट पे करता है जितनी उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है, तो वो लायबल है, उसको उस पे जो अमाउंट कम हो गया या जितना शॉर्टफॉल हो उसको उस अमाउंट पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था एडवांस टैक्स का, वैसे तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, यानी इसमें आप पेमेंट करते हो इनकम टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स में बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक तरीका है जिससे जो टैक्स पेयर्स है वो अपनी टैक्स लाइबिलिटीज को एडवांस में पे कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ उनको पूरे साल के एंड की वेट नहीं करनी पड़ती, यानी वो इंटायर अमाउंट इकट्ठा यानी जो उन पे कई बार बर्डन डाल सकता है उसको इजिली पहले ही पे कर सकते हैं। सो इंडिविजुअल्स और एंटिटीज को, कंपनीज को छोड़ के, जो इंडिविजुअल्स और अदर एंटिटीज हैं इसमें कंपनी इंक्लूड होगी, उनकी जो ड्यू डेट है वो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के एडवांस टैक्स की, वो जनरली 15 जून होती है, यानी 15 जून तक उनको फाइनेंशियल ईयर की 15 जून तक जो टैक्स पेयर है उसको जो उसने एस्टिमेट लगाया अपनी टैक्स लाइबिलिटी का जितना उसका टैक्स एट द एंड ऑफ ईयर बनेगा वो उसकी पहली इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है। ये टाइम की ना मैं आपको एक बार लेटेस्ट भी बता दूंगा, यानी जो सब्सिक्वेंट ड्यू डेट्स हैं जो बाकी की इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की बनती है वो डिपेंड करते हैं टाइम टू टाइम जो टैक्स अथॉरिटीज मेंशन करती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो यूजली 15 सितंबर को होती है, तीसरी 15 दिसंबर को और जो चौथी है वो 15 मार्च को, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन वो बहुत बार पूछ रहे हैं, ये डेट्स आपको बहुत अच्छे से याद करने की ज़रूरत है, जो खास करके जो पहली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है ना एडवांस टैक्स की वो कंपनी को छोड़ के वो 15 जून है, ये चीज़ वो हर बार पूछते हैं, ठीक है। अब आगे आती है वॉलेंटरली रिटायरमेंट स्कीम। क्या वॉलेंटरली रिटायरमेंट, तो आपको पता है कि आपने अपने आप अपने बिहाफ पे विदाउट एनी किसी के प्रेशर आपने रिटायरमेंट ले ली, उसमें ना टैक्स का क्वेश्चन आया था। देखो जो मैक्सिमम टैक्स फ्री लिमिट है पेमेंट जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम में मिल रही है वो 5 लाख की होती है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे नहीं लागू होती, गवर्नमेंट की सेपरेट चीज़ है, सो ये नॉर्मल पर्सन के लिए होती है। अब आता है टोनेज टैक्स सिस्टम।
सबसे पहले ये एक प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन की स्कीम है, यानी ये एप्लीकेबल है टैक्सेशन पे जो इनकम आपको हो रही है शिपिंग एक्टिविटी से। यानी अगर आपका शिपिंग का बिजनेस है, आपकी आपकी शिप्स चलते हैं, तो जो उससे आपको इनकम रिसीव हो रही है, जो उस पर टैक्सेशन का सिस्टम लगना है, उस पर टोनेज टैक्स सिस्टम एप्लीकेबल है। यानी जो आप कंप्यूटेशन है टोनेज इनकम की, इसको अंडर सेक्शन 115VG के अंडर कंप्यूट किया जाता है। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। यानी टोनेज सिस्टम का क्वेश्चन काफ़ी बार आया, सो आपको ये पता होना चाहिए टोनेज सिस्टम लगता है किस पे है, किस सेक्शन के अंदर आता है, ठीक है। अब एक प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का क्वेश्चन आया था, देखो इसमें आप इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ करते हो। अब वहाँ पे टोनेज टैक्स सिस्टम में प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन है, ये एक प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन की स्कीम है, ये मैंने आपको बोला। अब ये प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन होता क्या, देखो इसमें आप इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ करते हो अपनी लाइबिलिटी को, जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको एस्टिमेट करने के लिए, जो डिफर करेगी यानी जो फ्रॉम द यूजुअल सेल्स बेस्ड ऑन टैक्स पेयर्स अकाउंट। यानी अब मेथड्स तो इलीगल यूज इन इलीगल नहीं कह सकते, इनडायरेक्ट मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। ऑब्वियस बात है इनका जो थोड़ा सा एस्टिमेट होगा वो थोड़ा सा तो डिफर करेगा। यानी प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में जो टैक्स लाइबिलिटी है वो डिटरमाइन की जाती है कुछ सर्टेन प्रिजम्पशंस कह लो या अजम्पशंस के बेसिस पे, जो टैक्स अथॉरिटीज टाइम टू टाइम अज्यूम करती हैं। यानी इंस्टेड ऑफ रिक्वायरिंग डिटेल्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड कैलकुलेशन, द टैक्स लाइबिलिटी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज और अ फॉर्मूला अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर इनकम और टर्नओवर। अब प्रिजम्प्टिव है, अजम्पशंस है, यानी इसमें आपके पास अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो है नहीं है, ठीक है ना, आपके पास कोई डिटेल में ट्रांजैक्शंस के या इनकम के रिकॉर्ड है। सो जो टैक्स अथॉरिटीज है वो अजम्पशंस को यूज़ करके उन्होंने कुछ फॉर्मूला सेट किए हुए हैं, कुछ प्रिस्क्राइब परसेंटेजेस हैं अलग अलग बिजनेस की अलग अलग इनकम के लिए, तो उसके बेसिस के उसका यूज़ करके वो टैक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी जो ये चीज़ है ये सिंप्लीफाई कर देती है कि भाई आप टैक्स कंप्लाइंस का जो प्रोसेस है ना उसको इजीली कंप्लाई कर सकते हो, कुछ टैक्स पेयर्स के लिए, ये सभी के लिए नहीं है, केवल कुछ टैक्स पेयर के लिए, स्पेशली ये उनके लिए जो स्मॉल बिजनेसेस और प्रोफेशंस में इंगेज हैं, यानी जिनका काम धंधा बहुत छोटा है या नॉर्मल लेवल का है। ऑब्जेक्टिव यही है जितना हो सकता है एक सिंप्लीफाइड टैक्स रिजाइम सबको मिले और आप कहीं ना कहीं जो आपका कंप्लायंस बर्डन है जो टैक्स पेयर्स का वो कम हो जाए, यानी उनको ना कोई बॉदरेशन ना हो, वो इजिली जो टैक्स के साथ जो टैक्स की रूल्स एंड रेगुलेशन जो उसके साथ वो इजिली कंप्लाई कर पाए और टैक्स की पेमेंट कर दे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था टैक्स ऑन डिक्लेयर डिविडेंड, देखो जो आपका डिविडेंड डिक्लेयर हो गया उस पर जो टैक्स है वो शेयर होल्डर्स या जो बंदा जिसको डिविडेंड मिल रहा है जो रिसीव कर रहा है वो पे करेगा, ठीक है। अब एक लाइन सुनो, टैक्स शुड नॉट बी चार्ज ऑन डिविडेंड इनकम फ्रॉम दी शेयर होल्डर। अब ये लाइन पुराने टाइम पे तो बिल्कुल ठीक थी, ये क्वेश्चन आता है आज के, आप इसको चेंज कर लो, आज के टाइम पे जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल हो गया है, ठीक है। यानी शेयर होल्डर्स को जो उनको डिविडेंड मिल रहा है कंपनीज में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की है उस पर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक सुनो, दैट सम इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट व्हेन टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड द रिमेनिंग बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द ओनर्स, देयर इज नो नीड टू लेवी एडिशनल टैक्स ऑन दैम। ये एक सिर्फ प्रिजम्पशन है, अजम्पशन है, पहले यही बेसिस थे, यानी पहले यही माना जाता था कंपनी ऑलरेडी उस इनकम पे फ्लैट 30% पे टैक्स पे कर चुकी है और जो टैक्स ऑलरेडी पे हो गया जब वो एज अ इनकम एज अ डिविडेंड की फॉर्म में वो अपनी इनकम शेयर होल्डर्स उस पे अर्न कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स को उस इनकम पे यानी डिविडेंड पे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट आज के टाइम पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने खास करके टैक्स यानी जो आपकी टैक्स अथॉरिटीज़ है उन्होंने जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल कर दिया है, ठीक है। अब पेमेंट ऑफ डिविडेंड का क्वेश्चन था, देखो वो क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देखो जो आपका SPR होता है यानी जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है आप उसको डिविडेंड की पेमेंट में नहीं यूज कर सकते, ये प्रोविजन थी सेक्शन 52 की कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वो रिप्रेजेंट करता है वो अमाउंट जो कंपनी एक्सेस में अपने जो उनके शेयर्स हैं जो उसकी फेस वैल्यू है जब वो उसको इशू करते हैं जो अमाउंट वो एक्सेस में फेस वैल्यू के रिसीव करते हैं उसे सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जाता है। सो ये अमाउंट कंसीडर किया जाता है कैपिटल और आप इसको नहीं यूज़ कर सकते डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शेयर होल्डर्स को, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट वो क्या कह रही है, इनकम टैक्स के रिलेटेड ना कुछ आइटम्स है जो पेपर में पूछी गई हैं। देखो कुछ आइटम्स डियरनेस अलाउंस डीए हो गया, लीव ट्रैवल अलाउंस एलटीए और टैक्स डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर 10, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के रिलेटेड आइटम्स। उन्होंने ना आपको ये क्वेश्चन डाला था, ये ना आई गेस प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आया था। उन्होंने कहा था आपको, हमने कुछ आइटम्स आपको दिए हैं, इनमें से चूज करके बताओ कौन सी आइटम्स इनकम टैक्स के साथ रिलेटेड है। सो ये था आंसर। अब आगे आती हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स, जिनमें से अनगिनत क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो इनकम टैक्स रिटर्न में सबसे पहले आती है ITR 1 का फॉर्म। देखो जो ये ITR 1 है, ये एक सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म है जिसे इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं जिनकी इनकम सैलरी से, एक घर से या इसके अलावा अदर सोर्सेज। अब अदर सोर्सेज में लॉटरी विनिंग्स और इनकम फ्रॉम रिसोर्सेज आपने नहीं इंक्लूड करना, यानी ये इंडिविजुअल्स के लिए रिटर्न बननी है जिनको रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इनकम बहुत सिंपल वे में जो इनकम अर्न कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं और वो कुछ सर्टेन कैटेगरीज में फॉल नहीं करते, उनके लिए ITR 1 का फॉर्म बना है। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनो। एन इंडिविजुअल हु इज़ अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। देखो जो इंडिविजुअल जिसको इनकम हो रही है बिजनेस और प्रोफेशन से, क्योंकि उनके पास डायरेक्टरशिप है, यानी वो एक कंपनी के डायरेक्टर है, विच वुड रिक्वायर अ डिफरेंट फॉर्म, यानी उसको अपनी इनकम के लिए जो उसने रिटर्न फाइल करनी है या तो वो ITR 3 में करेगा या तो ITR 4 में करेगा, ITR 1 का उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, एन इंडिविजुअल हु हैज़ एन एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। देखो अगर कोई इंडिविजुअल है जिसका कोई एसेट है वो इंडिया के बाहर है, उसको अपनी जो अगर वो एसेट उसको इनकम जनरेट करके दे रहा है, तो सो ऑब्वियस बात है उसने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है, तो उसको अपना अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा और वो फॉर्म या तो ITR 2 होगा या ITR 3 होगा। अब डिपेंड करता है कि उनके इनकम का सोर्स क्या है, यानी उसके लिए भी ITR 1 का कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, एन इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम डस नॉट एक्सीड 50 लाख। देखो अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो ITR फॉर्म 1 को यूज़ कर सकता है As long as they meet the other criteria specified in the form, यानी कहने का सिंपल मतलब है अगर एक इंडिविजुअल की नॉर्मल इनकम 50 लाख से कम है तो वो ITR 1 के फॉर्म को यूज़ कर सकता है। अगर वो स्पेसिफाइड कंडीशन जब वो ऐसे पॉइंट पर पहुँच गए, यानी जब उसकी कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही ITR 1 के फॉर्म की, तो उसको अपने अप्रोप्रिएट फॉर्म पर शिफ्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एन इंडिविजुअल हु हैज़ इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। देखो जो इंडिविजुअल जिसकी इनकम किसी भी सोर्स से आउटसाइड इंडिया है, उसको भी अप्रोप्रिएट फॉर्म लाइक ITR 2 या ITR 3 का ही यूज़ करना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए। लास्ट आता है, एन इंडिविजुअल हु हैज़ एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो किसी भी अगर इंडिविजुअल का अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, दे मे हैव, इफ एन इंडिविजुअल हैज़ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, दे मे हैव अ कैपिटल गेन और अदर इनकम रिलेटेड टू दो शेयर विच वुड रिक्वायर अ डिफरेंट फॉर्म सच एज ITR 2 एंड 3। देखो अगर किसी के पास अब इक्विटी शेयर्स हैं बट वो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, यानी वो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, और उससे अगर कोई कैपिटल गेन हो रहा है उसको खरीदने में, उसको बेचने में कैपिटल गेन होगा मेन, तो अगर उसको सेल करने में कैपिटल गेन हो रहा है या किसी भी प्रकार की कोई इनकम हो रही है उन शेयर से, तो उसको ITR 2 या ITR 3 में उसको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक ध्यान से, जो मैंने आपको वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बहुत बार एक क्वेश्चन आया, यानी जो डायरेक्टर है, देखो जो ITR 1 है वो इंडिविजुअल्स नहीं यूज़ कर सकते, वो किसी जो अगर वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है। देखो इनकम टैक्स लॉस जो इंडिया में प्रिवेलेंट है, जो इंडिविजुअल्स डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, वो ITR 1 को नहीं यूज़ कर सकते अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने में। यानी जो डायरेक्टर्स हैं उनको जो उनकी रिटर्न जो उन्होंने अपनी इनकम की फाइल करनी है, वो एज़ पर जो लॉस ने एप्लीकेबल फॉर्म्स उनके लिए स्पेशल बनाए हैं लाइक ITR 2 और ITR 3, ये डिपेंड करता है कि उनका इनकम का सोर्स क्या है और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उनकी फाइनेंशियल अफेयर्स में, सो एज़ पर वो अपने सोर्स के ITR 2 या ITR 3 का यूज़ करेंगे। ठीक है, ITR 1 से एक क्वेश्चन आया था, देखो जो ITR 1 है, जो इनकम टैक्स रिटर्न, ITR का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न 1 है, ये एक ऐसा फॉर्म है जिसको यूज़ किया जाता है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने में इंडिया में बाय इंडिविजुअल्स Who have income from the following sources? अब ये choose करके बताना है, सो तीन main sources हैं। पहले तो एक हाउस प्रॉपर्टी, यानी अगर एक इंडिविजुअल के पास एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है और वो उससे इनकम अर्न कर रहा है, तो वो ITR 1 में उस इनकम को रिपोर्ट करेगा। दूसरा, पेंशन, अगर इंडिविजुअल पेंशन रिसीव कर रहा है वेदर प्रीवियस एम्प्लॉयर से और एनी अदर सोर्स, यानी पेंशन का कोई भी सोर्स हो सकता है, तो उसको ITR 1 को यूज़ करके इस अपनी पेंशन इनकम को रिपोर्ट करना है टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज़।
तीसरा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स इन बैंक। अगर इंडिविजुअल ने बैंक में एफडी करवाई हुई है, यानी बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट्स हैं या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फिक्स डिपॉजिट है, वो उस पर इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहा है, तो उसको आईटीआर 1 का यूज़ करके उस इंटरेस्ट इनकम को शो करना है एज टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आईटीआर 2। देखो जो आईटीआर 2 है, ये इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉट हैविंग इनकम फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, उनके लिए है। यानी वो इंडिविजुअल्स और वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिनको कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं हो रही, आईटीआर 2 उनके लिए है। अब एक क्वेश्चन था, फॉलोइंग लॉसेस आर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम बिजनेस इनकम। अब बिजनेस और प्रोफेशन इनकम का यूज़ हुआ, हमने वर्ड का भी यूज़ किया है, तो उसमें से क्वेश्चन आया था कि कौन से ऐसे लॉसेस है जिनको आप बिजनेस इनकम से डिडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो देखो जो डिडक्टिबिलिटी है लॉसेस की बिजनेस इनकम पे, वो डिपेंड करती है कि भाई जो लॉस है उसकी नेचर क्या है, उसकी सर्कमस्टांसिस क्या। अब कुछ लॉसेस जो नहीं डिडक्ट किए जाते बिजनेस इनकम में, जो पेपर में पूछे गए थे, सबसे पहले आता है लॉस इनकर्ड इन क्लोजिंग डाउन द बिजनेस। देखो जब आप बिजनेस को बंद कर रहे हो, उसको क्लोज डाउन कर रहे हो, तब अगर आपको कोई लॉस हो रहा है इस प्रोसेस में, तो आप उसको नहीं डिडक्ट कर सकते अगेंस्ट द बिजनेस इनकम। दूसरा, लॉस इनकर्ड ड्यू टू डैमेज डिस्ट्रक्शन एक्सेट्रा ऑफ कैपिटल एसेट। देखो अगर आपको कोई लॉस हो रहा है डैमेज से या डिस्ट्रक्शन से कैपिटल एसेट्स की, जैसे बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट, कोई भी लॉस हो रहा है आपको कैपिटल एसेट से, तो आप इसको डिडक्ट नहीं कर सकते बिजनेस इनकम से। हाउएवर जो ये लॉसेस हैं, इनके लिए सेपरेट प्रोविजंस बनी हैं, जैसे आपको इंश्योरेंस क्लेम्स या डेप्रिसिएशन अलाउंसेस इन लॉसेस के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉस सस्टेन बिफोर द बिजनेस कमेंस। देखो जो लॉसेस आपको हुए हैं बिजनेस के कमेंसमेंट से पहले, उनको भी आप बिजनेस इनकम से डिडक्ट नहीं कर सकते। अब जो ये एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं जो प्री ऑपरेशनल फेज में, यानी बिजनेस के कमेंस होने से पहले के हैं, इनको सेपरेटली ट्रीट किया जाता है एज पर जो प्रोविजन एज पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज इन पे एप्लीकेबल है। ठीक है, क्वेश्चन था स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन इन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। डेप्रिसिएशन का ऊपर जिक्र हुआ, उसमें से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखो उन्होंने कहा था आपको स्टेप्स दिए थे, वो कहते थे इसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करके बताओ कि कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अगर आपने डेप्रिसिएशन कंप्यूट करनी है बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम से। देखो सबसे पहले आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ब्लॉक एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। यानी जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें आपको हर एक जो आपका ब्लॉक है, हर एक एसेट का, यानी ईच ब्लॉक ऑफ एसेट, उसकी आपको वैल्यू को कंप्यूट करने पड़ेगा साल की बिगनिंग में। अब जो ये वैल्यू है, ये आपको एज अ ओपनिंग बैलेंस सर्व करेगी जब आपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप है एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर इन द रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स टू विच द न्यू एसेट बिलोंग। जो अगला स्टेप है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आपने कोई न्यू एसेट्स को एक्वायर किया है इस साल के दौरान। ठीक है, यानी जो ये न्यूली एक्वायर्ड एसेट है, इनको असाइन किया जाता है इनके रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स में जिसको ये एक बिलोंग करते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है, द मनी रिसीव्ड अलोंग विद स्क्रैप वैल्यू इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ब्लॉक्स विच आर सोल्ड और डिस्कार्डेड ड्यूरिंग द ईयर। देखो इस स्टेप में जो आपको पैसा मिल रहा है सेल से या एसेट्स के डिस्पोजल से, यानी आप या तो आपने एसेट बेच दिया या उसको डिस्पोज कर दिया, उसको कबाड़ में बेच दिया, यानी इसमें जो भी आपकी स्क्रैप वैल्यू उसको कंसिडर किया जाता है। अब जो ये अमाउंट है इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे जो आपकी ब्लॉक वैल्यू है उस कॉरस्पॉन्डिंग एसेट की जिसको आपने बेचा, जो उसकी ब्लॉक वैल्यू से, उससे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यानी लास्ट में आता है द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ईच ब्लॉक एज ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। फाइनली जो आपकी WDV रिटन डाउन वैल्यू है हर एक ब्लॉक के एसेट्स की, जो लास्ट डे पे, यानी जिस प्रीवियस ईयर में जिसमें ये सब कुछ हो रहा है, जो उस प्रीवियस ईयर में लास्ट डे बनते हैं, जो उस तब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बनती है, आप उसको कैलकुलेट कर लोगे। यानी जो ये वैल्यू है ये एज अ क्लोजिंग बैलेंस सर्व करेगी और ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगी नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये पता क्यों है, क्योंकि आप हमेशा प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते हो और उसको असेसमेंट ईयर में पे करते हो। यानी जो ये कैलकुलेशंस होंगी ये प्रीवियस ईयर के एंड तक सारी होंगी, और जो आपके प्रीवियस ईयर के एंड तक ये सारी आपकी क्लोजिंग बैलेंसेस बनेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे असेसमेंट ईयर के, जिसपे आपके अपने जो आपका डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे बारी बारी ब्लॉक ऑफ एसेट यूज हुआ, सो उसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स है ये
जो बनाया गया ना ये ब्लॉक, ये जस्ट डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के पर्पस के लिए बनाया गया है, जिसका मतलब है कि ये वैल्यू है ऑल दोज एसेट टू विच वन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल। देखो अब एसेट्स की इतनी सारी काइंड्स होती, इतनी सारी डिफरेंट कैटेगरीज में वो आते हैं। अब वो सारे एसेट जिन पे एक डेप्रिसिएशन का रेट चार्ज किया जाता है, आप उसको एक ब्लॉक में प्लॉट कर सकते हो, यानी जस्ट फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन पर्पसेस आपका ब्लॉक ऑफ एसेट्स बनाया गया है। यानी ये सिंप्लीफाई कर देता है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन को बाय ग्रुपिंग सिमिलर एसेट्स विद द सेम डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है, क्वेश्चन था फीस पेड टू लॉयर फॉर ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड इज अलाउड एज अ डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उन्होंने पूछा था, वो कह रहे थे देखो अगर आप लॉयर को पैसा पे कर रहे हो, आपने अपनी पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करवाया किसे, लॉयर से, यानी जो आपने रूल्स टर्म्स रेगुलेशंस जो भी आपकी टर्म्स और कंडीशंस थी पार्टनरशिप डीड की में, वो सारी आपने एक लॉयर से ड्राफ्ट करवाई है, उससे बनवाई है, और जो फीस आपने उसको पे किया वो एज अ एक्सपेंस डिडक्टिबल है आपको जो बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो रही है। ठीक है, अब जो ITR 6 है वो कंपनी के लिए है, अदर देन अ कंपनी क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11, वो सारी कंपनीज जो एग्जम्पशन सेक्शन 11 के तहत क्लेम करी है उनको छोड़ के बाकी सारी कंपनीज के लिए ITR 6 एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आता है ITR 7। अब ये वो पर्सन जिसमें जो कंपनी फॉर अ पर्सन इंक्लूडिंग अ कंपनी हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)(a), 139(4)(b), 139(4)(c), 139(4)(d)। यानी जो ITR 7 है ये सारे पर्सन्स के लिए है, इसमें कंपनीज भी आ जाएंगे जो 139(a), (b), (c) और (d) के तहत रिटर्न फाइल कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन था रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर सेक्शन 139(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। देखो जो 139 सबसेक्शन 1 है ये रिक्वायर, इसकी एक रिक्वायरमेंट है, हर वो बंदा जिसकी जो टोटल इनकम है वो एक स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड जो टैक्स अथॉरिटीज टाइम टू टाइम या गवर्नमेंट टाइम टू टाइम मेंशन करती है, अगर उसकी इनकम वो स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड को एक्सीड करती है या उसको किसी भी सर्टेन टाइप की इनकम हो रही है, तो उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, सो ये स्पेसिफाई करते हैं क्या ड्यू है रिटर्न को फाइल, जो ये सेक्शन है ये स्पेसिफाई करता है क्या ड्यू डेट रहने वाली है रिटर्न को फाइल करने की, क्या आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ में अटैच करने पड़ेंगे, और क्या किस मैनर में किस वे तरीके में आप रिटर्न को फाइल करोगे। यानी जो इनकम टैक्स एक्ट है वो मैंडेट करता है इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, फर्म्स को और जितने भी एंटिटीज हैं कि उन्होंने अपनी इनकम जो कि रिटर्न है अपनी इनकम की उनको फाइल करना है हर एक फाइनेंशियल ईयर में एक क्राइटेरिया को पूरा करके। यानी जो ये रिटर्न है इनकम की ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि भाई जो टैक्स पेयर है, जो जिस बंदे ने टैक्स पे करना है उसकी इनकम क्या थी, क्या क्या उसने डिडक्शंस का यूज़ किया, एग्जम्पशंस का यूज़ किया, कितनी उसकी टैक्स लायबिलिटी बनी। इससे क्या होगा, जो टैक्स अथॉरिटीज है वो असेस कर पाएंगे और अच्छे से ट्रांसपेरेंट मैनर में टैक्सेस को कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब ITR 4 का दूसरा नाम है सुगाम। ये जो पेपर में नाम पूछे जाते हैं उतने, देखो जो ITR 4 सुगाम है ये प्रिजम्प्टिव बिजनेस इनकम के लिए है, जिनको अंडर सेक्शन 44AD और 44AE के अंडर कवर किया जाता है। देखो ITR 4 को आप सुगाम के नाम से जानते हो, बीइंग अ इनकम टैक्स रिटर्न, ये एक फॉर्म है जिसको इंडिविजुअल्स या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिन्होंने ऑप्ट किया प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के लिए, जिसका मैं मतलब आपको, यानी जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम है ये तो मैं आपको समझा चुका, जिन्होंने ऑप्ट किया, अब वो इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिन्होंने ऑप्ट किया प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के लिए सेक्शन 44AD, ADA और AEA के तहत इनकम टैक्स एक्ट के लिए 1961 के अंडर, तो वो ITR 4 सुगाम को फिल करेंगे। बट हाउ एवर सर्टेन इंडिविजुअल्स और एंटिटीज आर नॉट एलिजिबल टू यूज ITR 4। बस केवल ये चीज़ मानो, जो इंडिविजुअल्स और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के लिए ऑप्ट किया हुआ है सेक्शन 44 के अलग अलग सब सेक्शन के तहत, वो ही ITR 4 यानी सुगाम का यूज़ कर सकते हैं, और कुछ इंडिविजुअल्स के ये एलिजिबल ही नहीं इसके यूज़ के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो ITR 4 का यूज़ कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आते हैं डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। देखो जो डायरेक्टर्स है कंपनी के वो नहीं एलिजिबल है ITR 4 को यूज़ करने के लिए, इनको जो इनकी इनकम की रिटर्न्स है ये जो अदर फॉर्म्स बने हैं इनके लिए जो एप्लीकेबल फॉर्म्स है वो ITR 3 या ITR 2 है, ये डिपेंड करता है इनका इनकम का सोर्स क्या है।
दूसरे जो इंडिविजुअल्स हु हैव हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, देखो कुछ इंडिविजुअल्स जिनके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं फाइनेंशियल ईयर में, वो भी एलिजिबल नहीं है, वो भी आईटीआर 4 का यूज़ नहीं कर सकते। इनको भी दूसरे फॉर्म्स का, डिपेंडिंग उनकी इनकम का सोर्स क्या है, एज पर जो लॉस है वो फॉर्म्स जो डेडिकेटेड इनके लिए फॉर्म्स बने हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। तीसरा, इंडिविजुअल्स हु हैव एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई इंडिविजुअल है उसके पास कोई एसेट है जो इंडिया के बाहर है तो वो भी एलिजिबल नहीं है आईटीआर 4 को यूज़ करने के लिए। उनको भी इसके जो डेडिकेटेड फॉर्म्स उनके के लिए बने हैं लाइक 2 और 3, जो उनकी इनकम हो उसके फॉर्म के तहत ही उनको अपनी इनकम को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आईटीआर 4 के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस आए हैं, एक और क्वेश्चन था। देखो वैसे तो अब ऑलमोस्ट मैं आपको हर चीज़ बता ही चुका हूँ, एक बार देख लेते हैं। देखो जो सुगाम है, नदर नेम है इनकम टैक्स रिटर्न एंड आईटीआर 4 का बीइंग अ सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न फॉर्म जो इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए जो एलिजिबल है, जो एप्लीकेबल उनके लिए है जिनकी जिन्होंने प्रिजम्पटिव बिजनेस और यानी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए ऑप्ट किया है, यानी अब ये सारे वो हैं जिन्होंने जो सेक्शन 44 के तहत अलग अलग सब सेक्शंस के अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए ऑप्ट किया और उनको वो ही आईटीआर 4 को फिल करके अपनी इनकम्स को रिपोर्ट करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, खास करके ना ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए होता है। अब अगेन सेम क्वेश्चन है, आप एक बार इसको पढ़ लेना सुगाम का, यानी ये ना क्वेश्चन आप ये मान के चलो अनगिनत बार ये क्वेश्चन आया है। मेन तीन चीज़ें याद रखने वाली हैं जिन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किया है, इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही होगी, सेक्शन 44 के तहत ही ऑप्ट किया होगा। ये तीन चीज़ें याद करो, यानी ये तीन चीज़ें आईटीआर 4 के लिए एप्लीकेबल है, इसके अलावा कोई भी आईटीआर को नहीं, 4 को नहीं यूज़ कर सकता। हर एक कैटेगरी, यानी अब मैंने अभी तक मैं आपको 6-7 आईटीआर करवा चुका हूँ, हर एक आईटीआर की अपनी कंडीशंस है, अपना स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है, उसको यूज़ करके ही आपको, यानी जिस क्राइटेरिया में, जिस कैटेगरी में आप फिट बैठते हो उसको ही आपने यूज़ करके अपनी इनकम को रिपोर्ट करना है टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप।